चलिए एक और बड़ी खबर ग्वालियर से देखेंगे। ग्वालियर में सीपीएम और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। ये सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने फूलबाग के पास बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। पुलिस के साथ इनकी झूमा झटकी भी हुई है। तस्वीरें इसका साथ के टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ग्वालियर में सीपीएम और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। ये सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। विनोद शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या वजह बताई जाती है रैली के पीछे की, और साथ ही अगर हम बात करें तो क्या ताजा हालात इस वक्त मौके पर? देखिए, इस समय हालात नियंत्रण में है, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई है। 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और डीआरपी लाइन उनको भेजा जा रहा है। दरअसल में 2 तारीख को जो ग्वालियर में हिंसा हुई थी बंद के दौरान, जो एससी एसटी एक्ट के संशोधन में जो विरोध हुआ उसके बंद हुआ था, उसके दौरान जो हिंसा हुई थी, अब चूंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस दौरान भी जो लोग थे उनको उकसाने का काम किया था, और आज आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर रैली निकाली, और उनका ये कहना है कि दलितों को लगातार उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और जो घटना हुई थी उनके बाद उनको न्याय नहीं मिल पाया है, और उनके खिलाफ ही उल्टी कार्रवाई की जा रही है, जबकि उनके साथ मारपीट हुई और कई लोगों की हत्या हुई। तो इसमें सरकार पर सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं हो रही है जहां दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, उल्टे उन पर ही एफआईआर की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने कमिश्नर कार्यालय के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच में पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। सबसे सर्वनाश बात यह थी कि पुलिस को पहले से ही पता था कि कमिश्नर कार्यालय पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी जो बैरिकेड्स लगाए व्यापक इंतजाम नहीं थे, वही नेग्लिजेंसी जो हमें 2 तारीख को देखने को मिली, यहाँ पे भी वही नेग्लिजेंसी हमें देखने को मिली। बहरहाल, शुक्रिया जानकारी के लिए।